I'm Ratnabhushan. Welcome to ASGIS, Believe in Quality, Commitment and Success, CAP Current Affairs Program. So, the taking charge, new CGI takes oath, President Ramnath Kovind, administering the oath of office to Justice Sharad Arvind Bobde as the 47th Chief Justice of India. Sharad Arvind Bobde, 47th Chief Justice of India. My heartiest congratulations to Chief Justice of India. Rajya Sabha mein Marshall ki nayi bhuvisvita par vivad. Rajya Sabha ke 250वें सत्र की शुरुआत के मौके पर सोमवार को सदन में सभापति के की मदद करने वाले मार्शल की वेशभूषा बदली नजर आई. पहले मार्शल कल की गीदार पगड़ी पहने नजर आते थे, लेकिन सोमवार को इनके सिर पर पगड़ी की बजाय गहरे हरे रंग की पी कैप थी. उन्होंने गहरे हरे रंग के सैन्य अफसरों जैसी वर्दी पहन रखी थी. इसे लेकर विवाद हो गया. पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बीपी मलिक समेत कई अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई. पूर्व सेना अध्यक्ष बीपी मलिक ने ट्वीट किया, सेना की तरह वर्दी गैर सैनिकों को देना कानूनी रूप से गलत, यह सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है. उन्होंने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कार्रवाई की उम्मीद जताई. विवाद, काला पानी पर नेपाल के आक्रामक रूप के पीछे चीन. काला पानी पर नेपाल के आक्रामक रूप के पीछे चीन. काला पानी विवाद पर नेपाल सरकार के आक्रामक रूप पर कूटनीतिक जानकारों ने हैरानी जताते हुए कहा कि इसके पीछे चीन का प्रभाव भी हो सकता है. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि वह भारत को कालापानी क्षेत्र से अपने सशस्त्र बलों की हटाने के लिए कहेंगे. नेपाल ने कुछ दिन पहले भारत के मानचित्र में भी कालापानी क्षेत्र को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी. पूर्व विदेश सचिव शशांक का कहना है कि इस तरह की खबरें हैं कि नेपाल सीमा के कुछ इलाकों में चीनी सेना की भी मौजूदगी है. इसे लेकर वहाँ काफ़ी विरोध हो रहा है. इसकी वजह से संतुलन साधने की रणनीति के तहत नेपाल सरकार कालापानी को लेकर सवाल उठा रही है. उन्होंने इस आशंका से भी इनकार नहीं किया कि इसके पीछे चीन हो सकता है. उन्होंने कहा कि नेपाल का रुख निश्चित रूप से चिंता की बात है. उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच काफ़ी दोस्ताना रिश्ते रहे हैं. पूरी उम्मीद है कि भारत नेपाल को अपना पक्ष समझने में सफल होगा. क्या है काला पानी? क्या है काला पानी? कैलाश मानसरोवर मार्ग पर यह समुद्र तल से करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. रणनीतिक रूप से यह डोकाला की तरह बहुत महत्वपूर्ण है. डोकाला में भारत, भूटान और चीन की सीमाएं लगती हैं. 35 वर्ग किलोमीटर का इलाका है कालापानी. 1962 से ही यहाँ भारत तिब्बत सीमा पुलिस तैनात है. यहाँ भारत, नेपाल और चीन की सीमा लगती है. यह इस क्षेत्र में सबसे ऊंची जगह है. भारत और नेपाल दोनों कालापानी को अपना मानते हैं. भारत का दावा है कि यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जिले का हिस्सा है. वहीं नेपाल का दावा है कि कालापानी उसके दार्चुला जिले का हिस्सा है. नेपाली प्रशासन का दावा है कि 58 साल पहले इस इलाके के लोगों की गणना नेपाल की जनसंख्या में हुआ करती थी. 5 वर्ष पहले नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे ने दावा किया था कि पूर्व नेपाल नरेश महेंद्र ने यह इलाका भारत को दे दिया था. अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था. तब भारत और नेपाल के रिश्ते काफ़ी मजबूत थे. मोदी ने समस्या सुलझाने का दिया था आश्वासन. 2000 में ये मामला उठा तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आश्वासन दिया कि भारत नेपाल की एक इंच भूमि पर कब्जा नहीं करेगा. 5 साल पहले मामले को सुलझाने के अलग क्षेत्र तंत्र विकसित किया गया. 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कालापानी विवाद को सुलझा लिया जाएगा. सुगौली संधि 1816 में नेपाल और तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी में सुगौली समझौती हुआ. नेपाल इसे सुगौली संधि का हवाला देते हुए कह रहा है कि कालापानी उसका इलाका है. इस संधि के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि नेपाल काली नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके पर अपना दावा नहीं करेगा. 1929 में कालापानी को भारत का हिस्सा घोषित किया गया था. कालापानी भारत का हिस्सा है और रहेगा. नेपाल का कालापानी पर बयान दुर्भाग्यपूर्ण. ऐसा लगता है कि नेपाल की मूल तासीर में कुछ गलत तत्व आ गए हैं. नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र है. दोनों देशों की संस्कृति एक है. बातचीत के जरिए इसका समाधान कर लिया जाएगा. त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड.
सरकार 28 PSU में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। केंद्र सरकार इसी वित्त वर्ष के दौरान एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड समेत 28 सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल में बताया कि इन PSU के विनिवेश की कवायद तेजी कर दी गई है। वित्त मंत्री राज्य मंत्री ने कहा, कैबिनेट ने सरकारी कंपनियों से में अपनी हिस्सेदारी बेचने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार लंबे समय से अपने विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 17,364 करोड़ रुपये भी जुटा लिए गए हैं। सरकार ने हिस्सेदारी बेचने वाली 28 कंपनियों की सूची भी दी है। इनमें पवन हंस लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ITDC की इकाइयाँ आदि प्रमुख हैं। अर्थव्यवस्था धीमी लेकिन मंदी नहीं। अर्थव्यवस्था धीमी लेकिन मंदी नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा। भारत अभी भी G20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सोमवार को आर्थिक मंदी को लेकर वे एक सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार जरूर धीमी हुई है लेकिन मंदी नहीं। भारत अभी भी G20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश की GDP वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए सरकार अर्थव्यवस्था में संतुलित स्तर की निश्चित विनिवेश दर, कम निजी उपभोग दर और निर्यात को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री ने एक लिखित जवाब में कहा, 2014-2019 के दौरान औसत GDP वृद्धि 7.5% थी, जो कि G20 देशों में सर्वाधिक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने वैश्विक व्यापार में बड़ी मंदी का अनुमान लगाया है। 4.2% रह सकती है GDP वृद्धि दूसरी तिमाही में, 5% रही थी GDP वृद्धि पहली तिमाही में। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर। My facts are related from the Hindu newspaper as well as Hindustan. Odisha strides in nutrition while health outcomes have greatly improved. Tribal community is still lag behind. Odisha, which is one of the empowered actions group states or 8 socio-economic backward states of India, has done remarkably well in health and nutrition outcomes over the past 2 decades. In its infant mortality rate has significantly declined. Its under 5 mortality rate almost half in the National Family Health Survey, 4 from the NFHS 3. It has seen a steep decline in stunting in the children under 5. Anemia in children and pregnant women has also decreased since NFHS 3. Antenatal care and institutional deliveries have shown good improvement. All these changes have been possible with financing, policy support, robust leadership, innovations and delivery of the services. Nutritional interventions. Nutrition is a long correction to health and is integral to growth and development. Timely nutritional interventions of the breastfeeding, age proportionate complementary feeding, vitamin A supplementation and full immunization are effective in improvement nutrition outcomes in children. Odisha has performed better than other empowered action groups states in reducing undernutrition and sets an example with its nutrition action plan, calling for convergence with health, nutrition and WASH, water, sanitation and hygiene programs. Odisha has taken decisive steps of decentralizing the procurement of the supplementary nutrition under the Integrated Child Development Services Program. This has led to a fair service access of the services under the ICDS by all the beneficiaries. This is evident from the rise in utilization of services under ICDS as compared to a decade ago. There has been a marked improvement in supplementary nutrition received by a pregnant and lactating women in NFHS 4 compared to NFHS. The next important, no more waiver Bhutan to levy charges in Indian tourist. New charges necessitated by the sharp increase in the tourists from the region, says visiting official. In a major shift in policy, Bhutan plans to levy charges on tourists from the regional countries including India, Bangladesh and the Maldives who at present are exempted from any charges. The new draft tourism policy, which is likely to be finalized by the Bhutanese
cabinet next month was among issues to be discussed by visiting Foreign Minister Tandi Dorji. Tandi with External Affairs Minister S. Jaishankar at meetings in New Delhi on Monday. The sharp increase in the number of the tourists from the region was cited for the move. The MEA declined to comment on the policy according to the officials aware of the discussion. India has some concern that the measures proposed should not cause too many hassles to Indian visitors and would want a predictable and reasonable policy. The mother of non-issues, rules and provisions on maternity entitlements have been brazenly violated and ignored for years, but who cares? This article was written by Jin Dariji in Hindu newspaper. Sometimes I wonder what the world would like to be a man and not women. For bearing and delivering babes, quite likely the paternity wards in hospitals would have the best equipment and doctors. The shelves of the grocery shops would be filled with special food items for pregnant men. Women and children would be mobilized to attend to the needs and wishes of the heroic lads who give birth. An array of the new professions, products and the technology would develop up to make their life easier, and pregnant men would also have been free bus passes and sequestrations. Paternity benefits would be given through a flagship social programs. When longevity is the biggest achievement, this week Abe is set to become Japan's longest serving PM, but his legacy may not be as enduring as his terms in office. On November 20, Shinzo Abe will become the longest serving Prime Minister of Japan, overtaking Taro Katsura's record of 2,886 days in office. Mr. Abe has been in power for the two different spells. In short life, one between July 2006 and September 2007, and the current stretch since 2012. Over the last 7 years, he has brought stability to a political landscape that had been fractured, honing the image of a strong conservative leader, reading Japan for the newly muscular role in a shifting geopolitical landscape. Mr. Abe has steered the economy out of deflation and decline, if not into growth. He has presided over a significant increase in the country's military capabilities and attempted to expand Japan's strategic options beyond its traditional reliance on the United States, the TINA factor. And yet his legacy might not be as long-lasting as his time in office. Critics say that the only reason Mr. Abe is still in power is because of a weak and uninspiring opposition. In other words, TINA, there is no alternative factor that voters around the world are too familiar with. Mr. Abe returned to the power in 2012. Japan had been through the five prime ministers in many years. His immediate order of the business was implementing a set of economic reforms to stimulate the economy, popularly dubbed Abenomics. So thank you very much to watch my program. Wish you all the best and good luck.